अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आज हम बनाएंगे आलू और लौकी की सब्ज़ी। ये मेरे पास हाफ़ के जी इस तरह की लौकी थी, उसको मैंने इस तरह क्यूब्स में कट करके रखी हूँ। और ये आलू है एक मीडियम साइज़ का, उसको भी क्यूब्स में कट करके रखी हूँ। और मसाले में लेंगे हम एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, दो ग्रीन चिली, हरा धनिया, और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, हाफ़ टी स्पून से कम है, इसमें ज़्यादा नहीं डालते। और 1 टीस्पून चिली पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ज़ीरा पाउडर लिए है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, नमक अपने हिसाब से लेंगे, और इसमें हमने थोड़ी सी हींग लिए है, और हाफ़ टी स्पून से कम हमने इसमें मस्टर्ड लिए है, राई, कलौंजी, सौंफ और मेथी दाना, ये हमने चारों चीज़ें हाफ़ टी स्पून से कम कम लिए है, ये टोटल मिला के 1 टेबल स्पून होता है, और इसमें थोड़ी सी हींग जाएगी। अभी हम शुरू करेंगे और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल आएगा। कुकर में 2 टेबल स्पून हमने ऑयल डाले हैं, अभी इसमें हींग डालेंगे और कलौंजी, राई, जीरा और मेथी दाना, ये सब इसमें डालेंगे हम। अब इसमें जिंजर डालेंगे हम और जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ ही इसमें हम लौकी डालेंगे। इसको हमने अच्छी तरह तेल में इसको फ्राई कर लिए। अब इसमें टमाटर डालेंगे, 2 ग्रीन चिली वो डालेंगे, और बाकी भी ये सारे मसाले भी इसमें डालेंगे, नमक, चिली पाउडर, धनिया, जीरा पाउडर, हल्दी। दो मिनट इसको मैंने अच्छी तरह भून ली हूँ, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें 1/2 कप पानी ऐड करूँगी। ये कप से मैं 1/2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अभी से। अब इसको हम कवर करके रखेंगे और 2 सीटी लेके गैस ऑफ करेंगे। हमने 2 सीटी के बाद में कवर निकाल लिए 5 मिनट रखकर, और ये इस तरह से हो गई है, और ये अच्छी तरह पक चुकी है, आलू भी गल चुके हैं। अगर आपको इसमें ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो आप इसमें 1/2 कप पानी और ऐड कर सकते हैं। अभी हम इसको गैस को ऑफ करके डिश आउट करेंगे। ये हो गई हमारी रेडी आलू और लौकी की सब्ज़ी, ज़बरदस्ती बनी है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और झटपट बनने वाली रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।